विलेज फेल 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 बैक टू विलेज फेल 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 बैक टू हक दो पंचायतों को उनका हक दो हक दो पंचायतों को उनका हक दो हक दो अपील करना चाहता हूं कि आज सांबा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो सरपंचेज हैं वो सारे यहां पे प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए हैं और आप मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये अपील करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम आपने शुरू किया है ये बहुत अच्छा कदम है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर ये जो है इसका जो रिजल्ट है वो जीरो है। जो भी काम हमने बैक टू विलेज वन में और बैक टू विलेज टू में लिखवाए थे आज तक एक भी जो वो पहले काम है वो नहीं हुए हैं। हम ये अपील करते हैं कि 370 की वजह से 73वां संशोधन जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, अब एक साल हो गया है 370 को ख़त्म हुए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये 73वां संशोधन क्यों लागू नहीं हो रहा है, आप पंचायतों को एम्पावर क्यों नहीं कर रहे हो। और हमारी ये अपील है गवर्नर साहब से और हमें आपसे उम्मीद है कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू की जाए और पंचायतों को एम्पावर किया जाए ताकि ग्रास रूट लेवल पर जो लोगों को है वो इसका फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का जो ये प्रेस हमने प्रोटेस्ट रखा है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेन मुद्दा हमारा है बैक टू विलेज थ्री जो अनाउंस किया गया है कि नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर से। तो इससे इसके मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए रखा गया है। तो हमारा मेन इशू है कि अगर पहले दो बैक टू विलेज वन और बैक टू विलेज टू जैसे प्रोग्राम किए गए बट ऑन ग्राउंड उसके अंतर्गत कोई भी काम आज तक नहीं हुए हैं, आप पहले उन दो बैक टू विलेज की पहले सक्सेस देखी जाए या फेलियर देखा जाए, उनकी फीडबैक रिपोर्ट ली जाए, उनकी चेकलिस्ट देखी जाए कि हम लोगों ने पंचायतों में जब जो विजिटिंग ऑफिसर्स आए थे उनको दिखा के जो हमने काम नोट करवाए थे तो कितने काम उसमें से हुए हैं। अभी तक वही काम नहीं हुआ तो आप नया नेक्स्ट बैक टू विलेज अनाउंस कर दे रहे हैं तो ये टोटली फेलियर है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं बड़े बड़े वो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होते। जो बैक टू विलेज वन के काम थे, 1-1.5 लाख का काम सबको बोला गया, उनमें से भी आधी पंचायतों के काम हुए हैं, जिनके हुए उनकी पेमेंट नहीं आई और आधों में तो अभी तक हुए ही नहीं है। बैक टू विलेज टू जैसे प्रोग्राम के अभी तक एस्टिमेट्स तक पास नहीं हुए तो वो काम कब होंगे। तो बैक टू विलेज थ्री आपने अप्लाई कर दिया कि होगा, उसके अलावा जो आप विजिटिंग ऑफिसर्स भेजते हो किसी पंचायत में तो बहुत अच्छे लेवल के भेज देते हो, क्रीम लेवल के, उन पंचायतों का रातों रात मॉडिफाई किया जाता है, रातों रात चमक जाती हैं वो पंचायतें, और कुछ पंचायतों को तो आप AW लेवल के ऑफिसर्स भेज देते हैं जिनके हाथों में कोई भी पावर नहीं होती। तो आप पहले तो इस प्रोग्राम को प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करें, मॉडिफाई करें, एक ही लेवल के यहाँ क्रीम लेवल के यहाँ बड़े ऑफिसर भेजें जो कि हमारी पंचायतों में आके कुछ ना कुछ काम करवा सकें। जिनके अपने हाथ में कुछ नहीं होता वो बेचारे हमारे यहाँ आके क्या करेंगे, वो यही कहते हैं कि हमने सिर्फ टिक 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 एक बुकलेट भरनी है और बस हमने आगे सबमिट करा देनी है, एक उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है, बस वो किताबें किताबें की किताबें ही रह जाती है बट ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं होता। तो इसको प्रॉपरली पहले मॉडिफाई किया जाए फिर लॉन्च किया जाए। धन्यवाद।